हमारे देश में नवरात्रों का बहुत बड़ा महत्व है। उसी बीच आज हम आए हैं दिल्ली के किनारी बाज़ार में, जो कि भारत का सबसे बड़ा गोटा चुन्नी का बाज़ार है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते व्यापार में पहले के मुताबिक 15 से 20% की ही बढ़ोतरी हुई है। विक्रेता संजय गुप्ता ने बताया कि जैसे जैसे ट्रेन चालू होंगी तो अलग अलग जगहों से सामान खरीदने लोग आएंगे। किनारी बाज़ार एक होलसेल बाज़ार है, जहां से भारत के ज़्यादातर राज्यों में सामान जाता है और भारत के बाहर भी यह व्यापार होता है। हमारे बाज़ार मुग़लकालीन बाज़ार है। ये एक मुग़ल काल में रानियां हमारे बाज़ार से किनारी गोटे जो कि शुद्ध चांदी के बने होते थे उनका व्यापार होता था, वो ख़रीदने आया करती थी। वक्त के साथ साथ बाज़ार का ट्रेंड बदला। आज हमारा बाज़ार एम्ब्रॉयडरी के लिए फैशन के नाम में, हमारे बाज़ार के बगैर फैशन का काम नहीं हो सकता। यह सीज़न अभी हमारा सीज़न का टाइम था, पीक सीज़न, जो इस समय कमाई होती थी, काम होता था पूरे साल उसका, मतलब हम लोग वो करते थे, जो कि लॉकडाउन पहले जो बिजनेस था। आज हमारा बाज़ार 15 से 20% व्यापार रह गया खाली। गोटा चुन्नी व्यापार मंडल के महामंत्री संजय गुप्ता ने बताया कि कैसे उनके व्यापार में गिरावट आई इस महामारी के चलते। उन्होंने बताया कि सरकार व्यापारियों की किसी भी तरह से मदद के रूप में आगे नहीं आ रही। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसियां अपनाई हैं, जैसे मेट्रो चली, उससे पहले व्यापार बिल्कुल ठप था। मेट्रो चलने के बाद हमारे व्यापार में 10 से 20% का काम आया है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट ये ट्रेनें वगैरह चला देगी, बसें चला देगी इंटरस्टेट, और सारी ट्रेनें चल जाएंगी, तो हमारा बाज़ार आ जाएगा वैसे पहले। बहरहाल उम्मीदें यही की जा सकती है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और फिर से सब कुछ पटरी पर लौट आए।